नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S24 अल्ट्रा। दोस्तों मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो जरूर देखें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ इस फ़ोन के दो बैक कवर। काफ़ी लोग दोस्तों जो बैक कवर यूज़ तो नहीं करते, बट दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना बैक कवर के फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं दो कवर लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों दो कवर हैं, जो एक सस्ती क्वालिटी का है और एक थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है बट इतना महंगा भी नहीं है। तो दोस्तों दोनों कवर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले कवर की बात करता हूँ मैं, जो थोड़ा महंगा वाला वो देखिए दोस्तों, वो ये वाला है। दोस्तों ये कवर इस फ़ोन का नहीं है, बट अगर आप इस मॉडल के लिए लोगे तो आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, 150 रुपये एक्स्ट्रा जा सकते हैं, बट दोस्तों इतना डिफरेंस चलता है मॉडल के अंदर। तो देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम जी दोस्तों TPU टाइप से है, मुलायम एकदम और काफ़ी पतला, और जी दोस्तों सिलिकॉन वाला है, एकदम ऐसे रबड़ होती है उस टाइप से है, कोई इस पर टेक्सचर वगैरह नहीं है, बट दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पतला काफ़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सैमसंग गलेक्सी S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा काफ़ी चौड़े फ़ोन है, अगर आप उन पर और हैवी कवर लगाओगे तो फ़ोन काफ़ी हैवी लगेगा। तो इस तरह का कवर आप यूज़ करोगे तो फ़ोन महंगी में उतना ही पतला रहता है जितना फ़ोन होता है। बट जी जो कवर दोस्तों मेरे S23 अल्ट्रा का है, बट मैंने दोस्तों उसके लिए मंगाया था, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम यही क्वालिटी और यही डिज़ाइन वगैरह आप S24 अल्ट्रा में ही मंगा सकते हो सेम प्राइस पर। हाँ प्राइस का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि ये नया मॉडल है, S23 अल्ट्रा पुराना मॉडल था। तो देखिए कैमरा का बम थोड़ा दोस्तों ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, क्योंकि इस फ़ोन का कवर नहीं है ये, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये वाला कवर मंगा सकते हो। मैंने S23 अल्ट्रा में जब इसको यूज़ किया था तो काफ़ी अच्छी ग्रिप आ रही थी और फ़ोन भी दोस्तों इतना थिक नहीं लग रहा था, और कलर दोस्तों इसमें ब्लैक है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये फ़ोन, वो सॉरी कवर फ़ोन के ऊपर। तो आप इस कवर को मांग सकते हो। इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी दोस्तों रिंके कंपनी का, देखिए रिंके, आपको पता ही है कि रिंके कंपनी के जो कवर होते हैं, रिंके स्पाइन वगैरह, ये काफ़ी महंगे आते हैं, बट जी दोस्तों मैंने ऑफर में लिया था, बट अभी भी दोस्तों ये आपको अगर आप लेते हो, अगर आपको S23 अल्ट्रा है या S24 अल्ट्रा है, कोई सा भी डिवाइस है दोनों में से, तो आप इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ले सकते हो, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मिलता है दोस्तों आपको 1200 से 1300 के बीच में, और S24 अल्ट्रा के लिए लोगे तो आपको वही कवर 1450 या 1500 के आसपास मिल जाएगा। और दोस्तों जो कवर मार्केट में नहीं मिलते तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है, ऑफलाइन मार्केट में ये मुश्किल ही मिलते हैं क्योंकि ये कवर दोस्तों ऑनलाइन ही होते हैं। अब दोस्तों दूसरा कवर दिखाता हूँ जो मैंने अपनी मार्केट से लिया है, लेकिन उसका लिंक भी आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों वो है ये कवर जो मैंने परचेस किया है सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से, क्योंकि मुझे कवर ऐसे फ़ोन पर लगाना अच्छा ही लगता, मैं मेमोरी लगा के ही काम चला लेता हूँ। तो देखिए दूसरा कवर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फ़ोन को नीचे रखते हैं। देखिए जी है वो कवर जो मैंने अपनी ऑफलाइन मार्केट से लिया है, तो मैं इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रेट आपको बता दूंगा कि ये आपको कितने का पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके का कवर है, ये देखिए। सबसे पहले बात करूँ मैं इस कवर के साइज़ की, तो आप देख सकते हो काफ़ी हेवी कवर है, अगर आप इस कवर को यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा मोटा लगेगा, बट काफ़ी लोगों को इस तरह कवर अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको चाहिए होती है एक अच्छी प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हो इनके अकॉर्डिंग इस दोनों में फ़र्क, जो थोड़ा राउंड है और जो सीधा है, ये राउंड है तो जो अच्छी ग्रिप देता है, बट जो ग्रिप तो ये भी अच्छी देता है, बट जो आपके पॉकेट में फिर पॉकेट में रखने में दिक्कत देगा थोड़ी। देखिए दोनों कवर। अब चलिए एक इनमें एक चीज़ और का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें आपको कैमरे कटआउट दिए गए हैं, इसमें आपके कैमरे की रिंग दी गई है अलग से, देखिए छोटी हुई ये देखो, बट इसमें कोई भी कुछ नहीं दिया गया, क्लियर है ये, बट इसमें साइड से जो डिजाइन दिया गया है। तो चलिए मैं इस वाले कवर को दिखाता हूँ आप इस पर यूज करके, ये थोड़ा हेवी लगता है इसमें फ़ोन, ये देखो मैं लगा लिया। अब आप देखो इसकी डिजाइन, ये देखो यहाँ से साइड ऊपर निकला हुआ है, यहाँ से भी निकला हुआ है, ऊपर से भी दोस्तों सेम ऐसे नीचे से भी, ये देखो। तो इसमें आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको फोन अगर ऐसे ही रखते हो टेबल पे कहीं पे भी तो डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं आएंगे, ये इन पे फोन दोस्तों टिक जाएगा क्योंकि निकले हुए इससे हैं।
और इस कवर की दोस्तों क्वालिटी की बात की जाए तो ये साइड दी गई है, साइड जो दोस्तों टीपीयू है बट थोड़ी आड़ है ये दोस्तों, इतना मुलायम टीपीयू नहीं है ये देखिए। और इसका जो बैक है दोस्तों जो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का दिया गया है, और इसके दोस्तों किनोरी जो होती हैं ये किनोरी ये देखिए जो किनोरी होती है ना, इनमें दोस्तों आपको एक अलग से प्रोटेक्शन दी गई है राउंड वाली चारों तरफ ये देखिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन नीचे गिरता है तो इस तरीके से तो आपके फ़ोन के डैमेज होने के चांस काफ़ी कम रहेंगे क्योंकि कवर काफ़ी हैवी है। इस पर एक पिन्नी लग के आती है जिसमें मटाता हूँ, ये देखो आप इसका लुक देख सकते हो काफ़ी हैवी लग रहा है दोस्तों। तो आप दोस्तों ये कवर मंगा सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों ऑनलाइन में इसका लिंक आपको दे दूंगा जिसकी प्राइस दोस्तों समथिंग 400 से 500 के बीच होगी, बट मैंने ये ऑफलाइन में दोस्तों अपनी मार्केट से सिर्फ 200 रुपये का लिया है क्योंकि आपको पता ही है कि जो लोकल चीज़ें होती हैं वो ऑनलाइन दोस्तों कंपनी का नाम देकर दी जाती हैं, कोई भी कंपनी का नाम दे देगी जिनका कोई ब्रांड वैसा नहीं होता, नाम दे के इसके प्राइस बढ़ा देते हैं ऑनलाइन पर। और ऑफलाइन में दोस्तों यही चीज़ आप बार्गेन करके कम करवा सकते हो। तो ये मुझे 200 रुपये का पड़ा जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको देखने में मिलती है, और दोस्तों इसमें आपके फ़ोन की डिज़ाइन भी दिखेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी दोस्तों इसमें एक खासियत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और दोनों को ख़रीदने का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।